सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। सो गाइस आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 1। तो गाइस ये जो गेम है मैंने खेला था 1 साल पहले और उसके बाद मैं इसको सीधा आज खेलने वाला हूँ। तो देखते हैं कि हम इस गेम को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है आगे। तो चलो गाइस हम प्ले पर क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं इस गेम को। अभी शायद तक हमारा डे 1 आएगा जितना मेरे को याद है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो याद ही है पूरा गेम कैसा दिखता है क्या होता है इस गेम में। डे 1 आ चुका है और अब हमारा ये जो आदमी और जो भी है ये हमको इसकी शक्ल नहीं दिखाई हुई है। अब ये खड़ा होएगा, हो जा भाई जल्दी। टू टू टू, चलो ये उठ गया है। अब हमें कुल मिला के इस ग्रैनी ने हमको यहाँ पर बंद रखा रखे रखा है, बूढ़ी औरत ने। तो हमें इसको चकमा देकर यहाँ से भागना है। हम दो तरीके हैं वहाँ भागने के, कार एस्केप और डोर एस्केप। तो हम करने वाले हैं कार एस्केप। तो यहाँ पर हमें मेलन मिल गया है गाइस, तो इस मेलन को बाहर लगाते हैं और इसको काटते हैं, इसमें से देखते हैं क्या मिलता है हमें। बाहर कूद गया खिड़की के, यहाँ पर हमने लगाया मेलन और चलाया खंजर। क्या मिला गाइस? मास्टर की मिल चुकी है हमें, पर हमें इसका कुछ काम नहीं है क्योंकि हमें डोर स्किप करना नहीं है, हमें करना है कार स्किप। तो इसको नहीं फेंक देते। अगर हमारे को कार के सामान नहीं मिले तब हम सोच सकते हैं कि हम डोर स्किप करेंगे, पर ठीक है। अभी अब शॉटगन का पार्ट है, इसको तो यहीं फेंक देते हैं, अभी बाद में लगाएंगे शॉटगन में। पहले हमें इसका घर में ढूंढना है क्या क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा हमें। हम जो है यहाँ पर ग्रैनी को बुला लेते हैं, अगर यहाँ पर ग्रैनी आएगी फिर हम अंदर जाके और चीज़ें ढूंढेंगे। यहाँ पर घंटी बजा दी है हमने, ऐसे करके लेंगे कुछ और ठीक है। तो ये ग्रैनी आ गई है, देखो गाइस बाहर चली गई है। अब हम अंदर किचन ढूंढ सकते हैं आराम से, किचन में क्या क्या है। तो इसको खोला, इसमें कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। दादी अपना किचन ही खाली रखती है गाइस, कुछ खाती पीती तो है नहीं है इसलिए। चलो अब ऊपर चलते हैं देखते हैं क्या है। चलो ऊपर इस वाले रूम को चेक करते हैं गाइस, इसमें ड्रॉवर्स वगैरह है, इसमें हमें क्या मिलता है। ये भी खाली है। अरे बुढ़ी अपने घर में कुछ भी नहीं रखती क्या। ब्रेंच मिला गाइस हमें, पाना ये बोलते हैं। तो यहाँ से हम नीचे चलते हैं, नीचे कुछ मिलता है या नहीं देखते हैं। यहाँ पर इनबॉक्स को हटा के अंदर चलते हैं। यहाँ पर मिल चुका है गाइस हमें व्हील हैंडल, जो कि हमें कुआं खोलने में काम आएगा, कुएं की रस्सी खींचने में। मतलब जैसे पुराने ज़माने के लोग कुएं में से पानी निकालते थे ना वैसे। तो यहाँ ड्रॉवर चेक कर लेते हैं जब तक यहाँ ग्रैनी आ जाए, फिर हम नीचे से जाएंगे बाहर। आवाज़ कर देते थोड़ी, अलार्म गिरा देता हूँ। चलो 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 नीचे, अब ग्रैनी यहाँ पर आएगी और हम कुएं में से जो भी मिलता है वो निकालेंगे। वॉइस हो गई है, शायद अभी ग्रैनी दूर है इसलिए हम निकल सकते हैं वापस। हमें खिड़की से बाहर ही कूदना है गाइस, कुआं बाहर है क्योंकि हमने मारी जंप और यह मारे बाहर। इसको लगाना है कुएं के हैंडल पे और पासवर्ड कर दिया है मैंने क्योंकि तो यहाँ पर मिल जाएगा इंजन पार्ट। इंजन पार्ट मिल चुका है गाइस, ये हमारे कार का इंजन है जो हम कार में लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, नीचे जाते हैं और नीचे ढूंढते हैं क्या मिलता है। जल्दी चलना, चल गया। तो यार यहाँ पर स्पेशल की मिल गई है गाइस हमें, जो कि ऊपर ऊपर लगी थर्ड फ्लोर पे। कार का बैटरी भी मिल गया है, कार में लगेगा नीचे। तो यहाँ ग्रैनी तो नहीं आ रही, ग्रैनी मैंने आवाज़ करी थी गाइस, आ सकती है वो क्योंकि मैंने वहाँ डोर खोला था ना। वो आ सकती है, आ गई, देखो मैंने बोला था ना आएगी वो। अब इसको चकमा दे के भागेंगे, हमारे पीछे आएगी और हम यहाँ से घूम के ऊपर चले जाएंगे। इसको पागल बना दिया। आ रही है गाइस पीछे, हम ऊपर चल लेते हैं स्पेशल की लगाने, लगा देते ताकि इसका काम खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये इधर उधर घूम जाएगी हमसे फिर। चलो चलो चलो, यहाँ पर लगी गई स्पेशल की, लग गई है। इसकी डॉल गिरा देंगे ताकि वो ऊपर आएगी और हम नीचे भाग जाएंगे। ओ ग्रैनी की फ़ोटो मिली गाइस हमें, ग्रैनी की फ़ोटो आ गई। ग्रैनी चलो नीचे, आ गए गाइस हम नीचे। तो इधर चेक कर लेते कुछ है नहीं है यहाँ पर कुछ भी, नाती तो है नहीं, क्या रखेगी बूढ़ी हो। हम इस पेंडिंग के पीस को इधर डाल देते हैं और बैटरी उठा लेते हैं गाइस। अब हम चलेंगे बैटरी को नीचे लेकर और इसको ग्रैनी को हम चकमा देंगे थोड़ा, ताकि ये थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए। बैटरी को वहाँ ड्रॉप कर दिया हमने, तो हम इधर छुप के 2 मिनट उसका वेट करेंगे जब तक ग्रैनी आ जाए। जैसे ही ग्रैनी आती है हम ये डोर लॉक करके उसमें स्विच ऑन कर देंगे, जिससे कि ग्रैनी बेहोश हो जाएगी। तो
तो ग्रेनी का वेट करते हैं गाइस, आने दो ग्रेनी को। आ जा बूटी, आ जा। आ गई गाइस ग्रेनी। अब ये जाएगी सीधा अंदर, क्योंकि इसको पता है कि जान नॉइस होती है, मुझे वहीं जाना है, इसमें दिमाग तो है नहीं। तो ये वहाँ गई और हमने ये गेट लॉक कर दिया और स्विच को भी ऑन कर दिया। अब ये हो जाएगी अंदर बेहोश, तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा ग्रेनी से बिना डरे चीज़ें ढूंढने का। वैसे हम इससे डरते वरते तो है नहीं, फिर भी थोड़ा सा सही है। चलो अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं कुछ और है या नहीं, फिर ड्रॉवर्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं इसमें, ड्रॉवर्स में क्या है। तो गाइस स्पार्क प्लग मिल गया है हमें, जो कि कार में लगेगा, ठीक है बढ़िया। और इधर कुछ भी नहीं है, चलो आगे चलो। इधर कुछ भी नहीं है भाई इसके घर में, मैं ढूंढूंगा क्या, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए। चलो 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 चलो, इधर कुछ भी नहीं। ब्रेंच मिला था हमें यहाँ इसके पास में, इतना याद है मुझे, पीछे इस तरफ मेरा ब्रेंच, इसको उठा लेते हैं। ये इंजन पार्ट लगा कर उसके बोल्ट टाइट करने में काम आएगा, तो इस ब्रेंच को हम लेकर चलते हैं सीधा नीचे। तो हम जो है ये ब्रेंच को इधर ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद हम चलेंगे आगे ढूंढने चीज़ें। ढूंढो गाइस, मतलब तुम मत ढूंढो, मैं ढूंढूंगा। हम पहले ले आते हैं इंजन का पार्ट, ये ढूंढने से पहले तो कि हम पहले इंजन का पार्ट लगा देंगे ना उसमें, तो हमारा एक काम तो ख़त्म हो जाएगा पूरा। चलते हैं हम इंजन का पार्ट करते, नीचे से चला जाता हूँ, छोटा पड़ेगा रास्ता, फिर से पूरा घूम के जाना पड़ेगा। ग्रेनी ने शॉर्टकट अच्छे दे रखे हैं, यहाँ से वहाँ पहुँच जाओ, यहाँ से उधर पहुँच जाओ। यहाँ से निकल गए, अब जाना है हमें नीचे। नीचे जाकर कार में लगाएंगे इंजन पार्ट और उसको व्रेंच से कर देंगे टाइट, उसके स्क्रूज को, इसमें तो कुछ नहीं लगेंगे। यहाँ पर लग गया इंजन पार्ट, अब यहाँ पर हमें चाहिए व्रेंच इसके बोल्ट टाइट करने के लिए। कार बैटरी भी ले ही लेते हैं पहले, ताकि कार की बैटरी भी लग जाए तो काम थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पर व्हील क्रैंक भी मिल गया है हमें, पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लग जाएगी कार की बैटरी। इधर स्पार्क प्लग चाहिए जो ऊपर ड्रॉवर में पड़ा ही है, तो उसकी दिक्कत है नहीं, अभी ले आते हैं उसको। चलो और उससे पहले हम बोल्ट टाइट कर लेते हैं, ताकि व्रेंच का हमारा काम जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर 6 बोल्ट है कुल मिला के, वो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 बोल्ट कस गए गाइस। तो हम तो मैकेनिक बन गए यार, छोटी सी कार बना दें। ग्रेनी आ रही है शायद, हम फिर से उसे चकमा देंगे, लेकिन वो हमें नहीं पकड़ पाएगी, हमारी ट्रिक बहुत अच्छी है। या वेट करते हैं उसके आने का। आ गई है, देखो मेरे को लगा ही था वो आ रही है, कि वो जिंदा तो हो ही चुकी थी। वापस अंदर जाएगी, हम वापस इसको पैक कर देंगे, ताकि फिर बेहोश हो जाएगी। चलो 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 चलो, गेट बंद, ये लगाया ब्लॉकर और इसको ऑन। ग्रेनी फिर से बेहोश हो गई है गाइस, और हमारा ब्रेंच का काम भी ख़त्म है, तो उसको दिक्कत नहीं है। हम पहले ले आते हैं स्पार्क प्लग, वो भी लगा देते हैं, ताकि आगे का जो इंजन का काम है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमें सिर्फ इसमें गैसोलीन भरना है और पेडलॉक की चाहिए और कार की, बस। इसमें हम इस घर से बाहर, पेडलॉक की जो है वो इस गेट को खोलेगी और डिग्गी में गैसोलीन भरेगा और डिग्गी कार की से खुलेगी। तो चलते हैं अभी ऊपर, ऊपर आ गए हैं, कहाँ जाऊँ मैं ये सोच रहा हूँ, यहाँ चलते हैं देखते यहाँ क्या मिलता है। अगर इसको खोलने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर भी चाहिएगा, और स्क्रू ड्राइवर लेने के लिए हमें पहले वेपन की चाहिए। रिमोट मिल चुका है, तो इससे वो मेन डोर के वहाँ पर एक गेट है वो खुलता है, तो उसमें देखते हैं हमें क्या मिलता है। चलो डोर के पास चलते हैं सबसे पहले। तो ये रहा वो डोर, और इसको खोला, हमें इसमें कुछ खास मिला नहीं, स्प्रे मिला है जिससे ग्रेनी अंधी हो जाती है, मतलब उसका दिखता नहीं है एक मिनट या 30 सेकंड से कुछ के लिए हमें देख नहीं पाती है, तो हमें भागने का मौका मिल जाता है। पेंटिंग का पीस लगा देते हैं, क्या पता है इसको बनाने से ही कुछ मिल जाए हमें। चलो नीचे चलते हैं फिर से, अब हम चलेंगे जहाँ से हमने रिमोट उठाया, उसके सामने भी एक गेट है, उधर चलते हैं, देखे उधर कुछ मिलता है नहीं हमें। यहाँ आ गए हम, इस कबर्ड में कुछ भी नहीं है। कौवे के पास क्या है, कौवे के पास एक की है, रस्टी पैडलॉक की है ये, वैसे हमें इसकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ पढ़ भी सकती है। हमें पहले चाहिए हैमर, ताकि हम नीचे का ये खोल तोड़ सकें,
चलो अब हम हमें ढूंढना है हैमर। देखते कुछ और भी मिल गया तो वो भी अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता हमें कुछ मिलेगा। कटिंग प्लायर भी तो चाहिए इसकी बिजली काटने के लिए। चलो हम फिर से नीचे आ चुके हैं, वो व्हील क्रैंक लेने। हम पहले व्हील क्रैंक उठा लेंगे, इसको तो बंद करो। धुंधला धुंधला है ये जहाँ, अब इसे डालेंगे ताकि ग्रेनी आ जाए। ग्रेनी को फिर हम गायब करेंगे गाइस थोड़ी देर के लिए। ये साली जब भी पीछे दिख जाती है ना, थोड़ा डर टाइप लगता है, क्योंकि मार ना दे फिर हमारा एक दिन वेस्ट हो जाएगा फालतू का। गाइस तो चलते हैं गाइस ऊपर, कि मुझे नहीं लगता अभी ग्रेनी आ रही है, तो हमारे पास थोड़ा और टाइम है। तो हम टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि चीज़ें ढूंढ लें। ये कुछ मिला है इसमें, पता नहीं क्या लिख रहा है, इतना सारा कौन पढ़े, हमारे से खुद की किताबें नहीं पढ़ी जाती, हम इसकी किताब पढ़ेंगे ग्रेनी की। चलो चलो बाहर आ चुके हैं हम, यहाँ पर तो मास्टर की है, ये हमारे कुछ काम की नहीं है, क्योंकि हमें कार स्केप करना है, डोर स्केप नहीं करना है। अब यहाँ पर हमें प्ले हाउस की भी चाहिए इसको खोलने के लिए, और अंदर शायद दो कोग व्हील भी लगते हैं, तो उससे वो घूमता है और वो कुछ हमें देता है चाबी वगैरह। इधर स्पाइडर की चाहिए एक हमें, इससे नीचे स्पाइडर के बेसमेंट में घुस जाएंगे, मतलब छोटी दादी के, तो हम छोटी दादी बोल सकते हैं, ये बड़ी दादी ये रही, छोटी दादी है। गायब करने की सोचते हैं, जैसे हमें ना मिनी हार्ट अटैक ना दे, एकदम से सामने आके हो करती है, चिल्लाती है। हम फिर से हमारी ट्रिक यूज़ करेंगे, इसको बेंच पे ड्रॉप कर देंगे जिससे नॉइस होगी और वो यहाँ पर आ जाएगी और हम इसमें छुप जाएंगे। जापन कर, अब ग्रेनी आएगी नीचे, और हम जैसा ही दो बार करते हुए आए तीसरी बार भी वही करेंगे, आने दो गाइस, कन्फर्म आएगी वो नीचे। तो वेट करते हैं गाइस, जब तक हम वेट कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो ग्रेनी भी आ चुकी है यहाँ पर, जब तक तो हम डोर खोलेंगे और फटाफट से इसका डोर बंद कर देंगे और लॉक कर देंगे इसको अगेन। चलो खत्म। ए बूढ़ी नानी आ रहा है ना मजा अंदर, धुएं धुएं में नहीं आ रहा, देख मना भी कर रही है कि नहीं आ रहा है, हमको मारती है जब कुछ नहीं, हम तुझे मारे तो नहीं। वाह रे वाह, अभी देखना अभी कैसे झटका खा के मरेगी, देखना गाइस ये 1 2 3, ये देखो कैसी लग रही है, पूरी काली हो गई। चलो चलो हम हमारे काम पे लगते हैं। इधर हमें डोर खोलने के लिए पैडलॉक की चाहिए जिससे इसका डोर खुल जाए, इधर कार की चाहिए इसकी डिक्की खोलने के लिए। तो चलो चलते हैं, पर बचा क्या है, हमें जगह ही नहीं बची ना अब कुछ ढूंढने के लिए। तो इधर ये स्प्रे उठा लेते हैं, अगर वो फिर मुंह पे आई तो इसको अंधा कर देंगे। इधर हमने ढूंढ ही लिया था, और कुछ भी नहीं, अरे देखो ढंग से नहीं ढूंढा था, कार की मिल गई। वाह यार, हम पहले आए थे पर हमें अच्छे से नहीं ढूंढा था। इधर यहाँ पर आके हम कार को टिक्की को अनलॉक करेंगे और उसमें से देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो इधर हमें वेपन की मिल गई गाइस, हो गया हमारा काम, अब हमारा स्क्रू ड्राइवर भी आ जाएगा क्योंकि वेपन की मिल चुकी है, और ग्रैनी को भी हम मार सकते हैं आसानी से। तो चलो हम वेपन की को लेकर चलते हैं और वेपन ले लेते हैं। चलो चलो चलो, यहाँ पर नीचे एक बॉक्स है उसके अंदर रहता है वेपन, ये देखो ये वाला बॉक्स में ये वेपन की मिल गई है, मतलब वेपन ही मिल गया है, की तो पहले ही मिल गई थी, इधर कुछ था तो बस हमें हैंडल मिला था और कुछ नहीं मिला था। चलो ऊपर चलते हैं, ग्रेनी शायद जिंदा हो गई होगी अभी तक, तो हमें ग्रेनी को भी मारना है, तो थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, एक तुम सामने ना आ जाए फेस के। ये बुक शेल्फ है, तो यहाँ पर हमने ड्रॉवर्स खोल दिए हैं। और चलो ग्रेनी कहाँ पर हो तुम, आ जा, आप तेर से नहीं डरता, मैं मेरे पास है वेपन, क्योंकि मेरे को कोई ट्रिक लगाने की यूज़ मतलब ज़रूरत नहीं है तुझे मारने के लिए, मैं सीधा मार दूंगा। ये दी ग्रेनी देखो नीचे से आई, मुंह पे हेड शॉट, अच्छा साइड में मेरे गिर गई गोली। अरे हट ना दादी, लगती दादी है उसमें खड़ी हो जाती है। हम यहाँ से स्क्रू ड्राइवर को गिरा लेंगे, स्क्रू ड्राइवर आ गया नीचे, पहले वेपन ये ड्रॉप कर देंगे और स्क्रू ड्राइवर से वो नीचे का बोल्ट खोल के देखते हैं उसमें हमें क्या मिलता है। चलो नीचे स्क्रू खोलने चलते हैं हम, सीधा 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 सीधा, और ये यहाँ पर जो है स्क्रू खुलेगा गाइस, ये खुल गया, ये भी खुल गया,
तो यहाँ पर हमें सेफ की मिली है जो कि यहाँ पर लगेगी सामने। तो चलो इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। चलो तो चेन कटा रहेगा इससे, ये भी कट जाएगा, इसको काट लेते हैं। गाइस ग्रेनी की घर की थोड़ी लाइट है, हमने काट दी है उस चेन का हिस्से वायर को काट के। हम यहाँ से वेपन फिर से उठा लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है ग्रेनी आने ही वाली होगी। वो 2 मिनट के लिए ही गई थी, वो 2 मिनट तो शायद हो चुके हैं। तो हमारी सावधानी ही सुरक्षा है ऐसा मानकर वेपन हाथ में रखते हैं और ढूंढते हैं इधर ग्रेनी को और चीज़ों को, हमें कुछ मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर चलते हैं गाइस, अब चलेंगे हम कौवे के पास, देखते हैं ये गन से कौवा मरता है या नहीं, तो हमें बर्ड सीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्राई करने में क्या जाता है। तो ये रहा गाइस कौवा, अब इसको हम मारते हैं। ओए ये उड़ के आ गया, मुझे लगा उड़ गया, नहीं अब नहीं उड़ेगा, एक बार कर दिया ना उसको, गलती हो गई। नहीं काट रहा है गाइस, छोड़ो ये नहीं उड़ने वाला। तो नीचे चलते हैं गाइस, नीचे एक डोर है उस पर हम ये मारेंगे तो हमें वहाँ कुछ मिलेगा, तो पता नहीं क्या है वो, देखें उसको मारते हैं। ये खुल गया डोर, स्टोर को खोल के देखते हैं इधर क्या है। इधर है मीट का पीस, मेरा पीछे मीट का पीस है, तो ये हमें काम आएगा ऊपर जहाँ हमने स्पेशल की लगाई थी वहाँ पर स्पाइडर को देना है, तो उससे जो है स्पाइडर भागेगा और हम उसके गेट को खोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जो है ग्रेनी को उड़ा देते हैं क्योंकि ग्रेनी सामने आ गई हमारे, तो इसको हमने उड़ा दिया, उसको छोड़ देते हैं गन को यहीं पर ही और मीट का पीस उठा लेते हैं और ऊपर जाकर इसे स्पाइडर को दे देते हैं जिससे वो भूखा इसको खाने आएगा और हम हमारा जो भी उसमें मिलता है, देखते क्या मिलता है, वो लेकर भाग जाएंगे। चलते हैं गाइस ऊपर फटाफट फटाफट फटाफट, चलो ऊपर स्पाइडर को देकर आना है। यार यहाँ से थोड़ा सा रास्ता बचा है, अब यहाँ से ऊपर जाएंगे, फिर एक और बार ऊपर जाएंगे, इससे सामने से ऊपर जाएंगे, अब गिरा देते हैं इसकी ढोल को। ये आ गए हैं हम ऊपर और यहाँ पर इसको देंगे खाना, ले खा ले। अच्छा ये आ गया गाइस यहाँ पर खाने, कुछ बंद बंद नहीं हो रहा है तो इसको खोलते हैं। और यहाँ पर हमें उस कौवे का खाना मिल चुका है तो इसको हम कौवे को देंगे और वो उड़ के आ जाएगा, तो हमें वो की मिल जाएगी, उसके बाद रस्टी पैडलॉक की है ना वो मिल जाएगी हमें। चलते हैं नीचे, चलो कौवा है तो ये जगह बहुत दूर दूर है, घर है क्या है इसका, तो बड़ा तो घर बना रखा है इसने ग्रेनी ने। हाँ वैसे सही है, इसको तो सिर्फ रहना है, झाड़ू पोछे कुछ करने नहीं है, ना खाना बनाना है ना कुछ करना है, इसके लिए तो बहुत है इधर। चलो ये उड़ गया, यहाँ से ले लिया हमने पैडलॉक की, रस्टी पैडलॉक की है ये एक, ये इसको चलो छोड़ो, वैसे हम पहले कुछ काम नहीं आने वाली है, तो वापस से वेपन उठा देंगे, ग्रेनी आए और हम उसे उड़ा दें। ग्रेनी ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ग्रेनी आएगी और फिर हमसे मार खाएगी। चलो अभी तक तो आएगी, यहाँ से आएगी, ये एक ही रास्ता है उसके पास आने का, वो झुक नहीं सकती बेचारी बूढ़ी है ना, वो तो छोटे रास्ते से नहीं आ सकती जहाँ से हम जाते हैं। आगे चलो, मर गई है ग्रेनी, तो हम नीचे जाएंगे हमारी रस्टी पैडलॉक की लेने और उससे ट्राई करेंगे, अगर वो जहाँ पर हमें डोर खोलने की ज़रूरत है अगर वो वहाँ लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ये पैडलॉक को उठा लेंगे और अब हम चलेंगे ऊपर, डायरेक्ट नहीं ऊपर नहीं जाना, सॉरी हमें नीचे जाना है वहाँ कार के पास, मेरे को ये लगा अपन को ऊपर जाना है, सॉरी गाइस हो जाता है कभी कभार मिस्टेक। तो यहाँ पर हमने नॉइस कर दी है और हम हमारा जो क्या बोलते हैं पीस ऑफ पेंटिंग है वो भी ले लेते हैं, तो पेंटिंग में लगा देंगे इसको। चलो ये पेंटिंग में लग गया, यहाँ पर सिर्फ 2 ही पीस चाहिए हमें जिससे पेंटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, क्या पता हमें ये पेंटिंग कुछ दे दे अच्छा सा जो भी है, दे दे तो अच्छी बात है, हमारा काम मेहनत जो है वो कम हो जाएगी। इसको इसमें लगाते हैं, नहीं लगेगी, ओरिजिनल पैडलॉक की चाहिए गाइस, वो ब्लू कलर की होती है ना तो मुझे पता है, नहीं नहीं लगेगी, नहीं लगेगी हमारे ये कुछ भी काम की नहीं है। ये तो कंप्लीट है सब, हमें सिर्फ गैसोलीन और पेडलॉक की चाहिए बस, अब कार की भी हमें मिल चुकी है, हमें सिर्फ 2 चीज़ चाहिए और हम इससे एस्केप कर जाएंगे इस घर से, और उसके लिए अभी हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सबसे मेन हमें हैमर नहीं मिला है अभी तक,
जिससे कि हम वो प्लैंक्स वगैरह हटा के देख सकते हैं क्या है। तो अभी हम चलते हैं बाहर। इस मास्टर की पड़ी यहाँ तो हमने पहले छोड़ दी है और दो बार हम देख भी चुके हैं, इसमें भी नहीं लगी हुई है। अब मैं ट्राई करेंगे गाइस को, क्योंकि ये नई नई टाइप की लग रही है मुझे, रस्टी पेडलॉक, क्योंकि पहले सिर्फ एक पेडलॉक की आती थी, अब रस्टी पेडलॉक की आने लग गई है। एक और दो दो पेडलॉक की बनाई इन्होंने। और चलो क्रैनी के लिए हम हथियार उठा लेते हैं, कि हमें ये लगता है कि क्रैनी आएगी, शायद आ भी चुकी है, नहीं अभी नहीं है, आ गई। चलो मुँह पे खाते हैं हेडशॉट। अरे यार मैं इसको पकड़ नहीं पाता, एक तो बंदूक की गोली को, क्या ग्रेनी हट जा जाने की। तो उठा लिया है हमने ये फिर से हमारा हथियार, और अब हम इसको लेके चलेंगे नीचे। और यहाँ पर हैमर, मास्टर की कटिंग प्लायर, पेडलॉक की, सबसे मेन है पेडलॉक की गाइज। अगर हमें डोर एस्केप भी करना है तो हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, हैमर और पेडलॉक की। और अगर हमें कार एस्केप करना है तो उधर चाहिए हमें गैसोलीन और पेडलॉक की। तो पेडलॉक की का जो रोल है वो मेन है, और डोर एस्केप में मेन रोल हैमर का। तो यहाँ पर हमें एक लीवर मिला, इसको हमने खींचा, और शायद तक इधर लगेगी बुक, तो हम वो बुक नीचे पड़ी है वो ले आते हैं। तो नीचे चलते हैं गाइस, बुक लगाते हैं यहाँ पर, क्या पता ये कुछ दे दे हमें। तो यहाँ पर हमें ये बुक यहाँ पर पड़ी है, इसको उठा लेते हैं और ऊपर जाके इसको प्लेस कर देते हैं इसकी जगह पर, क्योंकि इस बुक का सिर्फ एक ही काम है, यहाँ पर लगना। और ये हम इसे यहाँ पर लगा देंगे। ये क्रेनी जो है ये गिर गई है, ये पता नहीं कौन सी क्रेनी है, कोर तो ये गिर गई, इसके बाल भी पूरे झड़ चुके हैं, अजीब सी लग रही है। इधर फोटोज़ वगैरह लगा रखे हैं इन्होंने बहुत सारे, इससे तो इसके हाथ बांध रखे थे इधर। खतरनाक, ये कैसी लग रही है यार, फनी एकदम। तो यहाँ पर बुक तो लगा दिए, पर इसने हमें कुछ दिया क्यों नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ। फोटोज़ वगैरह है देखो यहाँ पर ग्रैनी की, ये स्पाइडर है जिसको अभी हमने मीट दिया था, और ये पता नहीं कौन सी जगह है, जेल टाइप की जो हमें अभी तक दिखी नहीं है। यहाँ पर इस लीवर से कुछ होगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा गाइस, मुझे लगता है इसने हमें कुछ नहीं दिया, पता नहीं क्यों बैठा, इसने कुछ नहीं दिया हमें। चलो अब नीचे चलते हैं, फिर से हमारा वेपन उठाते हैं, क्योंकि ग्रैनी को मारने का समय आ गया है। ग्रैनी जब तक मरती रहेगी तब तक हम सेफ रहेंगे, हमारे पास कोई रिस्क नहीं रहेगी। ये उठाओ इसका, ये ग्रैनी आएगी, मैंने वॉइस भी कर दी है। अरे मिस हो गई, मिस हो गई, मिस हो गई, ग्रैनी माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। हम घूम के जाएंगे, हम फिर से हमारी बंदूक की गोली उठाएंगे और ग्रैनी को उड़ा देंगे। तो ये रही हमारी बंदूक की गोली, आ जा ग्रैनी, आ जा, अब नहीं छोड़ूंगा। एक बार मिस हो गई तो क्या हुआ, मैं मारी तो थी पर तू मिस हो गई, मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। अच्छा इधर से आएगी, पता नहीं था मैं आऊँ, ये ले छाती भी खा तू गोली से, लग कपड़े तोड़ दूंगा, लंग्स जिसको बोलते हैं तो तोड़ दूंगा। तो ये तो भाई इसके अंदर तो हड्डी भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे गिर जाती है, होश हो के। तो अब यहाँ से चलेंगे ऊपर, और ऊपर ढूंढते हैं कुछ है कि नहीं। ये देखो मुझे लगा था ना कि इसने क्यों नहीं दी अभी तक, यहाँ पर दिए इसने गिरा के, तो मिनट बाद जो भी कितना भी टाइम हुआ। अब हमें स्पाइडर की मिल गई है, अब हम जा सकते हैं उस नीचे स्पाइडर के पास, इससे हमें और चीज़ें मिलेगी। खुल गया है और हम चलते हैं डायरेक्ट नीचे, देखते हैं क्या है। ये कुछ नई जगह लग रही है मेरे को, इस जगह पर तो यहाँ पर नीचे बैठ के जाना होगा, बैठ कर जाना है। तो हम आ चुके हैं सुरंग में, टनल में जो भी बनाई है ग्रैनी ने। यहाँ शॉटगन का पार्ट मिल चुका है, और जगह भी देखो वही है, जब हम शॉटगन का पार्ट फेंक देते हैं तो इससे हमारी शॉटगन भी बन जाएगी। तो दो पार्ट मिल चुके हैं हमको, एक बाहर रखा है प्ले हाउस की तरफ और एक यहाँ पर फेंक दिया, एक पार्ट और भी। और कौन था भाई, ऐसे कुछ डराने के लिए, पर हम डरते नहीं है। चलते हैं ऊपर, क्या चाहिए यहाँ पर,
वो व्हील क्रैंक, अच्छा जो गाइस व्हील क्रैंक है वो यहाँ पर लगेगा नीचे, हमें जो है वो व्हील क्रैंक लेकर आना पड़ेगा। अब हमने वो कहाँ फेंका था, शायद उसी में था जहाँ पर गहने को बेहोश किया था शायद। हैमर भी मिल गया गाइस यहाँ पर, काम की जगह है यार ये, जिस चीज़ को हम ऊपर इतनी देर से ढूंढ रहे थे वो नीचे एक ही बारी में मिल गई हमको। यहाँ से बाहर चल लेते हैं, मैंने नॉइस कर दिया गाइस, अब रेन ही ना आ जाए बस, मेरे को ये डर है। तोड़ देते हैं पहले फटाफट, मुझे ये चीज़ नहीं पता, तुम थोड़ा कोई बात नहीं। हमने डे वन में ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली है, हमें हैमर भी मिल गया है, डे टू आ गया है। अब हमें सिर्फ पेडलॉक की चाहिए गाइस, तो हम डोर एस्केप कर सकते हैं। और अगर हमें पेडलॉक की मिल गई और एक और गैसोलीन मिल गया तो हम कार एस्केप भी कर सकते हैं। तो हम गाइस फटाफट चलते हैं, डे टू आ चुका है और हमें जाना है जहाँ पर हमने प्लैंक छोड़ी थी, तो फटाफट से चलते हैं वहाँ पर। धूप आ जाती है यार ये एकदम से, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये यहाँ पर होगी। मैं उठा हूँ अभी तो नींद में से, बेचारा चल नहीं पा रहा वो अच्छे से, और तू उसके मुंह पे आके उसको डंडा मार रही है। डे टू तो वेस्ट हो गया गाइस पूरा, हमने डे टू में कुछ भी नहीं करा, आए ग्रेनी से पिट गए वापस हो गए। अब डे थ्री है, अब थोड़ा संभल के जाएंगे गाइस, अब नहीं आनी चाहिए ग्रेनी। हमारे पास सिर्फ डे थ्री फोर और फाइव, 3 दिन ही बचे गाइस। अब 2 दिन में हमने फर्स्ट डे पर बहुत कुछ करा हमने, पर सेकेंड डे पर कुछ भी नहीं करा, तो हमने प्लैंक वगैरह सब तोड़ रखी। अब हम वेट करेंगे ग्रेनी का, कहाँ पर है ग्रेनी, आ जा, इसको नीचे लाएंगे फिर हम ऊपर जाएंगे क्योंकि हमें जाना है वहाँ पर। हम नीचे से भी जा सकते हैं वहाँ, तो ग्रेनी आ ही नहीं रही है, तो हम लोग ग्रेनी का वेट कर रहे हैं। पहले तो एकदम से आ गया और अब आ भी नहीं रही, सोचो भाई क्या सीन है भाई। यहाँ से ग्रेनी आ जा, ग्रेनी 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 बूढ़ी अम्मा आ गई। चलो इसका ध्यान नहीं है तो हम यहाँ से ऊपर चले जाते हैं डायरेक्ट। देख लिया गाइस, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया, यहाँ से घूम के जाएंगे। पहले हम उठा लेंगे हमारा वेपन, इसको हम शूट करेंगे और ये घर जा अपने घर से, मतलब घर इसका ही है, मेरे को निकलने देते थे घर से, ये मर गई है। अब हम चलते हैं नीचे, हमें जाना है जहाँ पर हमने हैमर से वो प्लैंक्स तोड़ी थी उधर, तो आ गए हम उस जगह पर। यहाँ से जाना है हमें अंदर, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ एक तो ये प्लैंक कहाँ कटानी पड़ेगी, यहाँ हमें क्या मिलता है, वुडन स्टिक जो हमारे कुछ भी काम की नहीं है। ये हमें चाहिए मेन पेडलॉक की, मुझे लगा था यहाँ पर हमें पेडलॉक की या गैसोलिन दोनों में से कुछ चीज़ मिलेगी, पर वो दोनों ही नहीं मिली, तो मैं जो मेरा शक सही नहीं मिली। अब चलते हैं ऊपर, ऊपर की भी प्लैंक्स तोड़नी है, तो ये ऊपर का इसको तोड़ते हैं हम, ये तोड़ा और ये इधर प्लेस कर दिया। तो हम आ गए हैं, हमने जो है यहाँ पर ये प्लैंक फिक्स कर दिया है और हम चलेंगे सीधा कैमरे को तोड़ेंगे सबसे पहले, तो इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें कॉक व्हील और गैसोलीन दोनों मिल चुका है हमें, तो इसके लिए हमें कटिंग प्लायर चाहिए सबसे पहले। गैसोलीन भी मिल गया है, सबसे अच्छी बात तो ये हुई है। अब बस पेडलॉक की चाहिए और हम इस घर से बाहर भाग जाएंगे बहुत दूर। यहाँ देखते हैं क्या, शॉटगन का पार्ट मिल गया, शॉटगन कंप्लीट बन गई हमारी, पर अभी पता नहीं क्योंकि हमारे पास क्रोबार है, तो मैं इसको उठा लेता हूँ कि हैमर का काम ख़त्म हो चुका है। अब बुलाएंगे ग्रैनी को ऊपर और हम भाग जाएंगे सीधा नीचे, तो ग्रैनी के आने का वेट करते हैं गाइस। वो तो पता नहीं कब आएगी, उससे पहले तो हम नीचे कूद जाएंगे। आ गए हम यहाँ से बाहर चलेंगे, ये तो नहीं ना पिछली बार की तरह आ जाए। चलो 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 गाइस नीचे, अब शॉट गन बना ही लेते हैं। चलो आए तो क्या पता उससे वो स्पाइडर मर जाए, उस शॉट गन से हम उस स्पाइडर को मारने में कामयाब हो जाए। इधर मैंने एक शॉट गन का पार्ट और फेंका था ये यहाँ से इसको उठा के इधर फेंक, इधर डाल देते, खोल रखा है हमने, कुछ भी नहीं है इधर। चलो अब एक पार्ट पड़ा है बाहर, ले आओ उसकी तरफ, इसको बंद करते हैं और इधर से व्हील क्रैंक उठा लेते हैं सबसे पहले। तो
ले लेते हैं क्योंकि हमें ये काम आने वाला है, वह स्पाइडर के वहाँ पर लगाएंगे। तो पहले तो इसको लेके चलते हैं। ग्रेनी आ गई, मैंने सोचा वॉइस करता हूँ तो आएगी, ये तुम अभी बच गया, लेकिन बार बार बचाऊंगा इस बार। वैसे मैं यहाँ क्यों आया ये मुझे भी नहीं पता, बस हाँ मैं आ चुका हूँ, मैं जो है फंस भी चुका हूँ मुझे ऐसा लगता है, पर नहीं ग्रेनी नहीं आई अभी तक। हमें तो जाना है नीचे, दो बार उठा लेते हैं गोली, उठा लेते हैं अब हम इधर ड्रॉप करते हैं ताकि वॉइस है और ग्रेनी आए, आ गई है, उसको फेंक देते हैं। और हमें हमारा काम है व्हील क्रैंक का, व्हील क्रैंक उठा लेते हैं। यार इसके नीचे दब गया वो बूढ़ी, देखो फ़र्क भी नहीं पड़ता क्या तेरे कुछ लगे तो। चलो व्हील क्रैंक तो उठा लिया हमने, हम चलते हैं सीधा वहाँ नीचे और इसको लगाते हैं और देखते क्या होता है इससे, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद खेल रहा हूँ ये गेम, मुझे ये पता नहीं है कि व्हील क्रैंक से क्या होगा। तो चलते हैं अब तक नीचे, यहाँ से जंप आ रहे हैं नीचे, यहाँ यहाँ नहीं था यार आ गया था मिला था पहले खराब हो जगह भी ऐसी ना, तो यहाँ पर आदमी परेशान हो जाए ढूंढ ढूंढ के। वो हमें वो जगह ढूंढनी है जहाँ पर हम गए थे, यहाँ पर क्या है कुछ भी नहीं है, यहाँ पर खाली है ये। ठीक है चलो चलते, चलो लाइट मोड़ना है ऐसी जगह है। रस्टी पेडलॉक की यहाँ लगी है और लीवर चाहिए और चेन कटर से एक मिल जाएगा, पर इससे कैसे होगा। पूरा खून खून लगा हुआ है, ऐसे स्पाइडर से बचना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ग्रेनी तो ग्रेनी को हम पागल बना सकते हैं, इसको पागल नहीं बना सकते ना, इसको मार सकते हैं हम, क्योंकि हम अच्छा वैसे हमने अभी तक ट्राई नहीं किया इसको मारने का, तो एक बार हम इसे वो जो वेपन था ना उसको लेकर ट्राई करेंगे इसको मारने का। चलते हैं बाहर, आ चुके हैं नीचे, फिर से हम जाएंगे उसके इलाके में बिना डरे। हमें जो है व्हील क्रैंक लगाना है और व्हील क्रैंक वहीं गिर चुका है हमारा, हमें जगह ही नहीं मिली गाइस कि हमें व्हील क्रैंक लगाना कहाँ है, जगह नहीं मिली हमें अभी तक। यहाँ पर वो स्पाइडर मिलता है हमें, वो रहा पास भी कैसे आता है सा, वेट करेंगे पूरा निकलने देंगे। ये देखो यहीं पर आ जाएगा, पिछली बार भी ये यहीं गया था यार, पता चल जाता है यार थोड़ी सी वहीं। चलो गया 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 गया, इधर ही मुड़ गया वो, इधर गया है, जाता हूँ सीधा अच्छा तुम खड़े हो के पास पीछे आ गया बड़ा हूँ, जिससे हम इसको भी खोल सकते हैं।
तो यार हमें बच के रहना है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन बचे, डे 4 और डे 5 बस। चलो जा रहा जा रहा जा रहा जाने जाने से जाने व्हील क्रैंक भी यहीं पर पड़ा है, व्हील क्रैंक उठा लिया हमने। बस ये जगह ढूंढनी की लगेगा कहाँ इससे ग्रेनी से नहीं लगता, इससे बहुत लगता है। ये साला मार्स वो आ गया, क्या है साले मेरा साला आ गया यार, बड़ा फिट से नहीं कर रहा मैं कुछ, यहाँ से भागूंगा उसके सामने से आए जाने दो। हम यहाँ से ऊपर चढ़ जाते हैं, हम यहाँ लगाते हैं व्हील क्रैंक, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद वो यहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, नहीं 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 लगेगा, एक ही जैसी बहुत सारी जगह दे रखी है। जहाँ गैराज है ना, गैराज जहाँ खुलता है वहाँ लगेगा ये, गैराज के जस्ट सामने। चलते हैं गाइस, हुआ क्या इससे मुझे ये समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है? शायद तक वो जो डोर था ना, मुंह में डाल दो, खा लेता है अपन को पूरा। लास्ट डे है हमारे पास, देखते हैं हम इस लास्ट डे में पेडलॉक की ढूंढ पाते हैं या नहीं। एक पेडलॉक की, हमारा पूरा गेम ख़त्म, बस एक पेडलॉक की, बस और कुछ नहीं। चलो बाहर चलते हैं फटाफट, ग्रेनी ना आ जाएगा, बहुत संभल के खेलना है ये वाला गेम हमें, मतलब डे हमें, सॉरी गेम नहीं, गेम तो हम खेल ही रहे हैं डे। भाई लोग अब मेरे को नहीं लगता इस चेंटर कटर का कुछ काम है, तो हम क्या करते हैं कि वो जो वेपन था ना हमारे पास जिससे हम ग्रेनी को बेहोश करते थे, उसको लेकर जाता हूँ नीचे और उस साले मॉन्स्टर को मार कर फिर वहाँ पर चीज़ें ढूंढता हूँ, क्योंकि वो एक बार मर जाएगा ना अगर, तो मेरा काम ईजी होगा वहाँ पर चीज़ें ढूंढना जो भी करना। तो हम सबसे पहले जाते हैं ऊपर वेपन लेने, क्योंकि हमने लास्ट टाइम उसे ऊपर ही छोड़ा था रेनी को मारकर, और व्हील क्रैंक उठाया था यहाँ से, आ गए हैं यहाँ पर और ये उठा लेते हैं, चलते हैं डायरेक्ट उसके पास। नया वाला लूँगा गाइस, जो तीखा वाला सुई होगा ना, जो एक बार भी यूज़ नहीं हुआ। ग्रेनी का डर है बस, ग्रेनी ना दे, क्योंकि लास्ट डे है हमारा, ज़्यादा हमारे पास कुछ चांस नहीं बचेगी, स्टोर में तो कुछ भी नहीं है। ग्रेनी ग्रेनी तू आएगी या नहीं, आ गई, उड़ा देते पहले, ग्रेनी तो ख़त्म, बचा है इसका छोटा पोता या स्पाइडर जो भी बोले, वो छोटे ही ग्रेनी हमने उसका नाम रखा है। तो चलते हैं नीचे और फटाफट से उसके पास जाते हैं स्पाइडर को, उसको शूट कर देता हूँ मैं, क्योंकि वो मर जाएगा शायद, ट्राई करने के, अगर मर गया तो अच्छी बात है, याद नहीं तो फिर तो गेम तो नहीं चाहिए, क्या ही कर सकते। नीचे अब आ तो स्पाइडर मेरे पास, तो अब है गन, तू गया यहाँ पर नहीं आता है वो कभी भी, सिर्फ मैं आ सकता हूँ, मेरा इलाका है छोटा सा। स्पाइडर यहाँ पर भी नहीं है, ये रहा ये रह रहा पीछे ही है, चलते हैं अब इसके बाद, नहीं डरता बेटा मैं अब तेरे से, मेरे पास गन है, चल आजा आजा, कैसे आएगा तू नीचे, आजा आजा आजा, नहीं मरा गया मैं तीन मसाला, इससे मर जाएगा ग्रेनी, कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत दुख हुआ गया इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा गेम हम हार जाए। ये साली मेरे को पकड़ के ले आई कहाँ पर है, तो वही जगह जहाँ हमने मेलन काटा था, मुझे काटेगी गेम।
तो गाइस इस बार तो हम इस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी हम इस गेम को खेलेंगे उस टाइम कंप्लीट कर देंगे। हमारा गेम ओवर हो चुका है, बट कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट टाइम इस गेम को अगेन खेलेंगे और अगेन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।